नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता है हमारे उत्सव बैच के बारे में, और आपको पता है कि पटवारी ही नहीं व्यापम के द्वारा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकाल दी गई हैं जिनको जनवरी फरवरी मार्च 2023 में कंप्लीट करना है। और ये सारी वैकेंसीज जो हैं अभी नवंबर और दिसंबर के महीने में काफ़ी चीज़ों के नोटिफिकेशन आ भी चुके हैं और काफ़ी चीज़ों के नोटिफिकेशन आना बाकी है ना। आपको पता है कि 1 लाख भर्तियों को लेकर के बहुत सारी चर्चा भी चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी ने आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, उत्सव बैच, जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में है। और ऑनलाइन फॉर्मेट में इसका फीस रखा गया मात्र 799 रुपये, ताकि हम और हमारी टीम ये चाहती है कि पटवारी या व्यापम के ऐसे एग्जाम होते हैं जो ग्रामीण स्तर का बच्चा वहाँ तक अप्रोच या पहुँच नहीं पाता है ना। उन एग्जाम में उनकी पहुंच अप्रोच को बनाने के लिए बच्चे भोपाल तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने बैच के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत नॉमिनल फीस पे एक ऑनलाइन बैच शुरू किया गया है, उत्सव बैच है ना, जिसमें आपको व्यापम के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उन सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में पढ़ाया जाएगा है ना। और एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्डिंग कंटेंट आपके लिए उपलब्ध होगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा। उसी के सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के भी। हम इस करंट अफेयर्स में पूरे करीबन 1.5 ईयर का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो छोटे छोटे कुछ कुछ पार्ट्स में होगा, ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो और हमें भी समस्या ना हो, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाए। हम टॉपिक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसी करंट अफेयर्स की सीरीज का ये पहला लेक्चर है, जो कि आगामी आने वाली जितनी भी व्यापम के एग्जाम की हम बात करें या हम बात करें MPPSC प्री 2022 जिसका नोटिफिकेशन या जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, उसके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा है ना। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, ठीक है। चलिए हम बात करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। आपको पता है ये केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित योजना है, उसी के कंसेप्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक योजना चलाई। क्या नाम? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना ODOP का फुल फॉर्म क्या है या उसका मतलब क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है। इस योजना के बारे में देखोगे तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है हमारे यहाँ का, कौन सा मिशन है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है, और जिसमें हम मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट में से 52 जिलों के जो मुख्य उत्पाद है, वहाँ की जो पहचान है प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के एक उत्पाद को चुना जाएगा, उस उत्पाद को वहाँ के एक जिले के उत्पाद के रूप में पहचान दिलाई जाएगी, और उसके प्रमोशन के लिए उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ख्याति प्राप्त कराई जाए, कैसे उसको प्रसिद्धि दिलाई जाए, इस पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं, देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे लिस्ट इंटरनेट पे इधर उधर सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में चल रही हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं अभी जिनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 प्रोडक्ट को संभावित सूची में डाला गया है, और उन्हीं संभावित सूची को किसी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की फाइनल लिस्ट के रूप में भी जारी कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी हम आगे देखेंगे कि किन किन जिलों में कौन कौन से जो है प्रोडक्ट उनको संभावित लिस्ट में रखा गया, किन किन को अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अप्रूवल वाली पहले लिस्ट देखेंगे, बाद में संभावित की लिस्ट देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कहानी, क्या होगा? अब हर जिले की अलग पहचान होगी, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसके थ्रू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ये भी इसका एक थीम अपन देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न जिलों के एक उत्पाद का चयन करना और उसे देश भर में पहचान देना, जैसा कि मैंने आपसे बता दिया है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आगे के लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट है ना, इन डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट संभावित भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अपन एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सारा का सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही उठाया गया है, ताकि किसी में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है। आंकड़ों को लेकर के वैसे भी बहुत सारी चीज़ें गलत होती है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करें जबलपुर। जबलपुर से जिस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है वो है वहाँ की मटर, ठीक है। हरी मटर जो होती है जबलपुर का एक ऐसा उत्पाद है, जबलपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी मटर को उगाया जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है ना, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे
तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और यहाँ से प्रदेश की कई मंडियों में मटर का सप्लाई होता है और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ही क्या किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इसको रखा गया है। और आप अच्छे से जानते हैं कि मटर एक ऐसा वेजिटेबल है, एक ऐसा सब्जी का फॉर्मेट है जो सीजन में ही सस्ता होता है, बाकी आपको 12 महीने मिलता है कोल्ड स्टोरेज के फॉर्मेट में देखोगे, या इसकी कॉस्टिंग आपको अच्छी मिलती है, यहाँ से आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट को दिया गया। ठीक है, तो याद रहेगी बात, यहाँ मटर साल में बम्पर उत्पादन होता है जैसा मैंने आपको बताई दिया। तो जबलपुर का क्या हो गया, मटर हो गया, हम लास्ट में सारे प्रोडक्ट को एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा चर्चा करें नेक्स्ट में देखें तो रीवा में एक आम की प्रजाति पाई जाती है, सुंदरजा। कौन सा आम? सुंदरजा आम जो है ये बहुत फेमस आम है। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा आम है? सुंदरजा आम, है ना? सुंदरजा आम के बारे में ध्यान रखना है, ये कहाँ का है? रीवा का है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इंग्लैंड, अमेरिका सहित अरब कंट्रीज में भी इस यहाँ के आम भेजे जाते हैं, है ना, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये अपनी सुगंध, अपने अलग स्वाद, इन सब चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, तो सुंदरजा आम कहाँ का है? रीवा का है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली चर्चा करते हैं, अगले प्रोडक्ट के बारे में। रायसेन जिले के बासमती राइस को अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। कहां का है? रायसेन जिले का है। कौन सा है? बासमती राइस है। आपको पता है बासमती राइस को जीआई टैग दिलाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अपना मतलब उसमें लिस्ट में भेजा भी है, बहुत कवायद भी लगाई है कि कैसे भी करके मध्य प्रदेश में जो है बासमती राइस उसको जीआई टैग मिल जाए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उसको भी पहचान दिलाने के लिए बहुत काम किया। लेकिन पंजाब में और मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लेकर के विवाद भी था। मध्य प्रदेश ने अपनी बात रखा भी था कोर्ट पे कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, कितने जिलों में? 13 जिलों में बासमती राइस का उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो अभी वो बात चल रही है, अभी उसको लिस्ट ऐसा दिया गया, फिर से हम उसके लिए प्रोसेस में लगे हुए कि हमको उसके लिए जीआई टैग मिल जाए, है ना, एक ये बात ध्यान रखनी है। उसी के अलावा हम बात करें तो बासमती राइस, रायसेन भी उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। रायसेन जिले के बासमती राइस को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। रायसेन का क्या है? बासमती राइस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बात करते हैं कोदो कुटकी के बारे में। कोदो कुटकी को हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये जो हमारा साउथ ईस्ट वाला, यदि आप एमपी का मैप देखोगे, यदि मैं मध्य प्रदेश के मैप की बात करूं, हमारा कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश का मैप है, है ना, ये मध्य प्रदेश के मैप में जो ये वाला पोर्शन है आपका ईस्ट और साउथ का, साउथ ईस्ट का जो पोर्शन है, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे मंडला है, बालाघाट है, डिंडोरी है, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिंडोरी है, मंडला है, सिंगरौली है, अनूपपुर है, बालाघाट के लिए भी, लेकिन बालाघाट में भी संभावित सूची में डाला गया था इसको, है ना, लेकिन बालाघाट में बाद में इसको कोदो कुटकी को हटा दिया गया। पहले आपने कहीं करंट अफेयर्स के मैगजीन्स में या कहीं वेबसाइट में देखा होगा कि बालाघाट में भी क्या किया गया था, कोदो कुटकी को रखा गया था, लेकिन वो संभावित सूचियों में था, है ना, ये बात ध्यान रखना है। अब वहाँ की चिन्नौर चावल को क्या दे दिया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फॉर्म में रख दिया गया, क्योंकि जीआई टैग ऑलरेडी प्रोडक्ट है, हुआ ना, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बात याद रहेगी क्या, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? डिंडोरी है, मंडला है, सिंगरौली है, अनूपपुर है। डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, सिंगरौली, ये चार डिस्ट्रिक्ट के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फॉर्म में किसको उठाया गया? कोदो कुटकी को रखा गया, जो कि एक मोटा अनाज है जिसके प्रमोशन के लिए ये बहुत अच्छे से काम किया जाता है। आदिवासियों का ये प्रमुख भोजन माना जाता है कोदो कुटकी, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि बालाघाट में भी पहले कोदो कुटकी को रखा गया था, लेकिन वो संभावित सूची थी, ध्यान रखना, है ना, संभावित सूची से उसको हटा दिया गया। फाइनली चिन्नौर राइस, जिसे 2022 में अभी इसी साल जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है ना, इंडिकेशन दिया गया है, उसी को ही, उसी राइस को ही क्या रखा गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा गया बालाघाट के लिए। इसकी अपनी एक सुगंध, एक अपना एक अलग टेस्ट होता है इस चावल का, है ना, जैसे देखोगे कि क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं बालाघाट सिवनी से हूँ, आप मेरे यहाँ पे ये राइस होता है, पहले जब इसको जीआई टैग नहीं मिला था तो नॉर्मल सा इसका जब कॉस्टिंग देखोगे आप, इसकी कॉस्टिंग आती थी करीबन आसपास 50 to 50 रुपीस पर केजी के हिसाब से, लेकिन जब से इसको जीआई टैग मिला है, आप इसका कॉस्टिंग देखोगे आज के कंडीशन में तो अराउंड 90 रुपीस या 100 रुपीस पर केजी के हिसाब से राइस आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो सोचो प्राइस का जस्ट डबल हो जाना, ये होती है प्राइस की, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग,
है ना, इससे प्राइस इंक्रीज होता है। इसीलिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी रखा गया ताकि इसको और अंतर्राष्ट्रीय रास्ते स्तर पर क्या दिलाया जा सके, ख्याति प्राप्त कराई जा सके, इसको क्या किया जाए, इसको मार्केटाइज कर जाए, मतलब इसको मार्केट में लाया जा सके, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। आपको पता है झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को ऑलरेडी जीआई टैग दिया गया है, सभी अच्छे से जानते हैं, है ना। तो झाबुआ का कौन सा, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है। इस मुर्गे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कुछ बच्चों ने जो मुझसे पहले भी पढ़े हुए वो सब जानते होंगे कि जब कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग में मिला है, पहले तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि कड़कनाथ मुर्गे को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग में मिला हुआ है ना। 2018 की ये बात है जब इसको जीआई टैग मिला था कड़कनाथ मुर्गे को, कहाँ के, झाबुआ के। बहुत बार प्रश्न बन चुका है, बहुत बार प्रश्न बनता भी है कि कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग को लेकर के किन दो राज्यों के मध्य विवाद था। तो ध्यान रखेंगे ये था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। एमपी और छत्तीसगढ़ दो जो स्टेट है आपके, इन दो राज्यों के मध्य विवाद था। छत्तीसगढ़ का कहना था कि जो ये कड़कनाथ मुर्गा ये हमारे यहाँ का है, इसका जो ओरिजिन है वो हमारे यहाँ से हुआ है, ये हमारे यहाँ की विरासत है, लेकिन इनका कहना था कि झाबुआ का है। जीआई टेक की टीम आई, टीम ने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद उन्होंने पाया कि ये मध्य प्रदेश के झाबुआ का है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। और ये छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, यह प्रजाति यहाँ पे भी पाई जाती है लेकिन यहाँ का ओरिजिन नहीं माना गया। तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और मध्य प्रदेश का कौन सा, झाबुआ जिले के मध्य विवाद था इस चीज को लेकर के, जिसमें मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को क्या दे दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया, ठीक है। और उसे ही कड़कनाथ मुर्गे को हमने क्या कर दिया, अलग पहचान देने वाले की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको शामिल कर दिया। कड़कनाथ मुर्गे में खास बात ये देखोगे तो कड़कनाथ मुर्गे का मुर्गा ही काला होता है, अंडा भी काला होता है, मांस काला होता है, खून काला होता है, एवरीथिंग इज ब्लैक इन अ कड़कनाथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, पहले आप कड़कनाथ के मुर्गे देखोगे मतलब अंडे देखोगे तो अंडे आपको मार्केट में नॉर्मली 50 रुपीस के आसपास में आपको मिल जाते थे, एक दर्जन 12-6 जैसे भी आप बोलोगे, है ना। लेकिन नॉर्मल आप एग देखोगे मार्केट में तो 6-7 रुपए का एक एग देखने को मिलता है। जब से कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है, इसके एग की कॉस्टिंग यदि आप देखोगे, कभी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप सर्च करना, ऑनलाइन जो मार्केट है उसमें आप देखोगे, आप कड़कनाथ एग करके आप डालोगे तो आपको 100 या 120 रुपीस के मात्र 6 अंडे देखने को मिलते हैं। कितने, 120 रुपए में आपको 6 अंडे मिलते हैं, जहां नॉर्मल अंडा आपको 6 रुपए का एक मिलता है, ठीक है। तो सोचो ये फर्क होता है ब्रांडिंग करने का, ठीक है। इसीलिए इसको भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अलग पहचान दिलाने के लिए चुना गया है। तो याद रहेगी बात कड़कनाथ मुर्गे की भी। इसके बाद बात करें तो एक जिला एक उत्पाद में दमोह डिस्ट्रिक्ट का जो फेमस है वो है चना। दमोह का क्या फेमस है, चना। ऐसा कहते हैं ना कि चना खाने से बहुत दम आती है, बिल्कुल पावर आती है भाई, जो जिम करते हैं आप स्पोर्ट्स में चने को जरूर लेते होंगे, है ना, एनर्जी के लिए। तो दमोह मतलब बहुत दम आती है, ऐसा याद रख लेना। तो चना कहाँ का है, दमोह का। देखो चने का प्रोडक्शन देखोगे तो आपको विदिशा में ज्यादा देखने को मिलेगा, नो डाउट, लेकिन चना जो बेस्ट क्वालिटी का है वो दमोह में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इसीलिए दमोह के चने को क्या दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और चने के दाल की सप्लाई जो है पूरे देश में की जाती है, कहते हैं दमोह से, दमोह में इतना चने का प्रोडक्शन होता है कि चना दाल की सप्लाई आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी, तो वो दमोह से देखने को मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चने की उपलब्धता, दाल की उत्पादन क्षमता के आधार पर ही इसे इस जिले का चयन किया गया है, ठीक है। वहां के हर डिस्ट्रिक्ट हर गांव में कहते हैं चना बोया जाता है दमोह में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। दमोह का चना याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल की जरी जरदोजी और जूट उत्पाद की हम बात करें, जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। और आपको पता है जरी जरदोजी के बटुए जो है और इसका जो कढ़ाई जो होती है सूट में या कपड़ों में, आप देखोगे ये बड़ी फेमस है, भोपाल की सबसे फेमस है हैंडलूम की जरी जरदोजी। कहते हैं कि इसमें पुराने कपड़ों से या पुराने जो मुगला मतलब कहना चाहिए हिस्ट्री के समय के जितने भी कपड़े हैं पुराने कपड़ों में आप देखोगे तो जैसे बॉर्डर होती है उस बॉर्डर में सोने की जरी की जाती है, मतलब सोने की बिल्कुल पतली। तो उससे उन सोने की लेयर्स को निकालना, उसको और पतला करना, पतले करने के बाद उनको अलग अलग डिज़ाइन के फॉर्म में कढ़ाई करना, ये बड़ा ही टिपिकल काम होता है जरी जरदोजी का। आप कभी भोपाल आए या कभी ऐसे जो आपके हैंडलूम वाले एग्जीबिशन लगते हैं आप उनमें जरूर जा करके देखें जरी जरदोजी के बटुए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना जरी जरदोजी के जो बटुए हैं या जरी जरदोजी जो कढ़ाई की एक पैटर्न है ना, उसके लिए किसको चुना गया है, उसके लिए चुना गया है आपके भोपाल को, ठीक है। तो भोपाल में जरी जरदोजी और जूट जो है ये दो चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
बात करते हैं राजगढ़ जिले में फेमस है संतरा, ठीक है। ऐसे तो देखो कि संतरा महाराष्ट्र में फेमस है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगता है छिंदवाड़ा जिले की एक जगह पांडुर्ना। यहाँ के संतरे वैसे भी बहुत फेमस है, लेकिन आप देखोगे तो अभी के उत्पादन में आप देखोगे तो राजगढ़ में भी संतरे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कहते हैं राजगढ़ के संतरे का स्वाद और क्वालिटी दोनों बेहतर होती है, पैदावार के लिए मौसम का यहाँ अनुकूलन है, मतलब अच्छी अनुकूलता मिल जाती है, इसीलिए राजगढ़ के संतरे को क्या दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। चर्चा करें अगले तो रतलाम का नमकीन, रतलामी सेव, यदि रतलाम से सेव को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ना डाला जाए तो फिर और क्या बचता है, ठीक है। तो रतलाम में क्या सेव ध्यान रखेंगे ना, इसमें कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसने रतलामी सेव ना खाया हो, ठीक है। हाँ, जिसकी डिस्ट्रिक्ट की दूरी बहुत अलग है तो एक अलग बात है, लेकिन मूलतः सभी लोगों ने इसको खा के देखा होगा, है ना। बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, मंदसौर की बात करें तो मंदसौर की फेमस है लहसुन, ठीक है। तो मंदसौर के किस प्रोडक्ट को रखा गया है, लहसुन को रखा गया, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसको रखा गया, मंदसौर की लहसुन को रखा गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो आलू, इंदौर में भी दो तीन प्रोडक्ट को रखा गया था, लेकिन इंदौर के आलू को चुना गया है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या चुना गया, इंदौर के आलू को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद खरगोन की बात करोगे तो आपको पता है खरगोन, या हम निमाड़ की बात करें तो निमाड़ फेमस है मिर्च के लिए, आपको पता है कसरावत खरगोन में मिर्च महोत्सव भी मनाया जाता है ना, आपको पता होगा ये बात, मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया गया था इसके पहले, कसरावत में। कसरावत कहां का शहर है, खरगोन का शहर है, ये वही खरगोन है, वही कसरावत है जहां से हमारे सोलर मैन भी आते हैं ना, चेतन सोलंकी जो है ना सोलर मैन, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है एक बात, ठीक है। चेतन सोलंकी जी भी यहीं से आते हैं, मिर्च महोत्सव यहां पर होता है, और निमाड़ में जो आपका पश्चिमी निमाड़ आप देखते हो खरगोन है ना, उसके भी क्या किया गया, उसकी मिर्च उसके लिए, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए किसको चुना गया है, मिर्ची को चुना गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं श्योपुर के अमरूद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, श्योपुर के अमरूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किए गए, तो श्योपुर के क्या हो गए, अमरूद हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करोगे तो दतिया जिले की गुड़ को, जैसे आपने देखा होगा कि करेली की गुड़ बड़ी फेमस थी शुरुआत में, जब ये लिस्ट आई थी तो कोई लोगों, मतलब बहुत जगह हमने पढ़ा था कि करेली या नरसिंहपुर की गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए शामिल किया गया, लेकिन ध्यान रखेंगे ये बात, अभी वो संभावित सूची थी, क्या थी, संभावित सूची थी, जैसे मैंने बताया ना बालाघाट के लिए कोदो कुटकी को संभावित सूची में रखा गया था, लेकिन दिया क्या बालाघाट में चिन्नौर राइस को, ऐसे ही दतिया जिले की गुड़ को दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे दतिया जिले की गुड़ है, ठीक, क्लियर है बात, अभी नरसिंहपुर के लिए नहीं है, है ना। कहते हैं दतिया जिले में गन्ना की पैदावार काफी अच्छी है, यहाँ सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और गन्ने के उत्पादन में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होने की वजह से यहाँ की गुड़ को क्या दिया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, ठीक है ना, ये बात आपको भूलना नहीं, दतिया की गुड़, ठीक है, करेली गुड़ अभी यहाँ नहीं रखेंगे बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो सीहोर जिले में लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको क्या चुना गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चुना गया है। तो कौन सी बात करें हमने, लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प कला के लिए किसको, सीहोर को चुना गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, क्लियर हो गई बात, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं अगले प्रोडक्ट के बारे में, तो यहां तो ये चीजें हो जाती हैं। देखो अब मैं एक बार थोड़ा सा पर इसको रिवाइज भी कर ले जो ज्यादा जरूरी है, इसके बाद संभावित सूची भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी करीबन 15-16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया गया है, जिसमें हमने देखा क्या, जबलपुर का मटर एक फेमस हो गया, दूसरी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है क्या, सुंदरराजा आम कहां का, रीवा का। इसके अलावा हमने देखा रायसेन का बासमती राइस जो फेमस है, है ना, ये आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा बात करोगे तो डिंडोरी मंडला सिंगलौरी अनूपपुर, ठीक है, देखो यहां से अपन देख लेते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, जबलपुर एक हो गया, रीवा दो हो गया, रायसेन तीन हो गया, डिंडोरी मंडला सिंगरौली अनूपपुर, टोटल मिलकर चार और तीन कितने हो गए, सात डिस्ट्रिक्ट हो गए, है ना। तो इनके लिए क्या है, कोदो कुटकी। आठवें नंबर पर बालाघाट का क्या हो गया, चिन्नौर राइस। नौवें नंबर पर क्या हो गया, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ का, नौ हो गए। दसवें में देखोगे तो दमोह का क्या हो गया, चना हो गया।
ग्यारहवें नंबर पर देखोगे तो भोपाल की जरी जरदोजी, ये भी क्लियर हो गई, है ना। बारहवें नंबर पर देखोगे तो राजगढ़ जिले का क्या है, संतरा फेमस है। बारहवें के बाद तेरहवें नंबर पर देखोगे तो रतलाम का रतलामी सेव हो जाता है, तेरह हो गया। इसके बाद देख लेते हैं चौदहवें नंबर पर तो मंदसौर की क्या है, लहसुन है, है ना। चौदहवें के बाद पंद्रहवें नंबर पर देखोगे तो इंदौर का आलू है, जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। पंद्रहवें नंबर पर देखते हो तो खरगोन की लाल मिर्च आ जाती है। सोलहवें नंबर पर देखते हो तो श्योपुर के क्या आ जाते हैं, अमरूद आ जाते हैं। सत्रहवें नंबर पर देखते हो तो दतिया जिले की क्या आ जाती है, गुड़ आ जाती है। अठारहवें नंबर पर देखते हो तो सीहोर जिले के लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प कला को रखा गया। ऐसे टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, ध्यान से समझेंगे ना, 18 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। 18 डिस्ट्रिक्ट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया गया है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि टेंटेटिव में कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो इस पर भी गौर कर लेते हैं अपन। तो इसको देखो, इसके लिए मैं सीधी सी बात है कि आपको ऐसी वेबसाइट में लेके जा रहा हूं जो सीधे सरकार की वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट वेबसाइट में जाएं और चीजों को देखें तो ज्यादा सही रहेगा। आप देख रहे होंगे एमपी ट्रेड पोर्टल की एक वेबसाइट है ना। आप देखोगे तो किसकी वेबसाइट है, एमपी ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट है। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात कही गई है। आइए देखते हैं सरकार क्या कहती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में एक बार और। मध्य प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य है राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रकट करना है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये केंद्र स्तर की योजना थी जिसपे इसमें काम किया जा रहा था। विचार मध्य प्रदेश के तहत प्रत्येक जिले के एक उत्पाद का चयन करना, ब्रांडिंग करना और उसका प्रचार करना, ठीक है। स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास तथा स्वदेशी का या स्वदेशी को बढ़ावा देना, ये किसकी बात रखी गई थी। जिला स्तर पर नवाचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, ये भी इसकी उद्देश्य की बात करें। इसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, वो ये है, ये कहता है इसको अपनाने के लिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, कितने जिलों में, यहाँ पे बात नोट करने वाली है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संभावित उत्पादों की पहचान की गई है। क्या की गई है, संभावित टेंटेटिव प्रोडक्ट की पहचान की गई है। ये पहचान अपन यहां देखते हैं एक एक करके, क्या किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। देखो ये वेबसाइट है, मैं जैसे क्लिक करूंगा आपके सामने हर डिस्ट्रिक्ट का एक संभावित प्रोडक्ट आ जाएगा या जिसको फाइनलाइज कर दिया गया है। जैसे मैं बात करूं आपके पास भिंड की, तो भिंड में क्या है, बाजरा और सरसों के उत्पाद है। भिंड में क्या है, बाजरा और सरसों के उत्पाद है, लेकिन इसमें से किसको दिया जाता है ये मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा बात करें मुरैना के बारे में, तो मुरैना से देखो सरसों तेल है, गजक भी है, मधु भी है और बलवा पत्थर भी है, है ना। और यहां से बता दूं कि मुरैना की गजक को फेमस किया गया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं अगले उस पे श्योपुर पे, तो आप श्योपुर में देख रहे होंगे ये सारी की सारी चीजें लाइव चल रही है ना, इसको थोड़ा सा देखोगे तो श्योपुर की अमरूद, अभी हमने देखा श्योपुर में अमरूद को दे दिया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे हम बात करें ग्वालियर पे, हम क्लिक करें तो ग्वालियर पे क्या है, पत्थरों की टाइल्स भी है, आलू भी है और आलू के प्रोडक्ट भी है, है ना, इनको भी रखा गया, लेकिन इसमें से अभी फाइनलाइज नहीं किया गया। अभी जाके सरकार जो है, सरकार के आंकड़े धीरे धीरे करके आ रहे हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को रोज एक पहचान दिलाई जा रही है और एक को फाइनलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट इसके वीडियो में और भी बचे हुए जितने भी हैं हम उनको कवर करेंगे इसी चीजों को लेकर के। ये सिर्फ आपको बता दिया कि कहीं आपको ये ना लगे कि सर हमारे पास तो 52 डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, है ना, कि यहां से टेंटेटिव लिस्ट है। जैसे मैं बालाघाट पे क्लिक करूं, अभी थोड़ी देर पहले बालाघाट पे आपने देखा कि क्या है, चेन्नई राइस को मिला है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, है ना, गवर्नमेंट का ही पेज था वो। यहाँ पे भी बालाघाट के लिए क्या लिखा गया है, कोदो कुटकी को लिखा गया है संभावित सूची में, लेकिन कोदो कुटकी बालाघाट से हटा के कहां कर दिया गया, मंडला कर दिया गया, अनूपपुर कर दिया गया, शहडोल कर दिया गया, है ना, ये ध्यान रखना, डिंडोरी कर दिया गया, ठीक है। और बालाघाट में किसको कर दिया गया इसकी जगह, चिन्नौर राइस को कर दिया गया, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सोशल मीडिया पे जो आंकड़ा उपलब्ध है वो आंकड़ा इन्हीं की वजह से है, यहीं से उपलब्ध आंकड़ा है जिसकी वजह से आपको बताया जा रहा है, लेकिन अभी जाके सरकार डेली बेसिस पे एक ना एक चीजों को, प्रोडक्ट को बना रही है। तो अभी जैसे 18 डिस्ट्रिक्ट के मैंने आपके सामने लेकर के आया, ऐसे ही और डिस्ट्रिक्ट के अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे, है ना, जब तक मिल भी जाएंगे और हम उसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, जैसे कटनी का कटनी स्टोन भी है, चावल भी है, टमाटर उत्पाद भी है, इसमें से किसी एक प्रोडक्ट को उठाया जाएगा, क्लियर। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो एमपी ट्रेड पोर्टल, जो मैं बोल रहा हूँ क्या, एमपी ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं, ये वहीं के आंकड़े हैं, ठीक है। तो अभी 18 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा है हमने, नेक्स्ट में हम और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।